वेलकम इन बायोमेट्रिक क्लासेस। तो जो हम लोगों ने जनरल कंपटीशन के लिए जो एक सीरीज स्टार्ट किया है बायोलॉजी फॉर जनरल कंपटीशन, तो उसमें आज हम लोग बेसिक ऑफ मतलब बायोलॉजी को पढ़ेंगे, किस तरह से देखेंगे बायोलॉजी क्या क्या जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये लेक्चर SI बैंक PO उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी SI का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या देंगे वो ज़रूर वीडियो को देखिए। तो आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे SI और मतलब जनरल कंपटीशन के लिए देखेंगे क्या होता है बायोलॉजी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी क्या है, अगर इस वर्ड को ही हम देखें तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है बायो प्लस लॉजी, ठीक है, बायो प्लस लॉजी। बायो मतलब बायोलॉजी में जो बायो टर्म यूज होता है वो लाइफ के लिए होता है, ठीक है, लाइफ। और लॉजी मतलब स्टडी के लिए। तो अगर इसका डेफिनेशन हम लोग देखें सिंपल में समझें तो कुछ नहीं, बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ को क्या कहा जाता है, जिसमें स्टडी ऑफ लाइफ करते हैं, जिसमें पढ़ते हैं या फिर जहाँ लाइफ की स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी में करते हैं, ठीक है। बायोलॉजी का डेफिनेशन कह सकते हैं सिंपली कि स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है, जो जीवन की हम लोग स्टडी करते हैं उसको, उस जिसमें पढ़ते हैं उसको हम बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। बायोलॉजी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। बायोलॉजी को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक है बॉटनी एक है जूलॉजी, ठीक है। बॉटनी आइए हम लोग पार्ट कर लेते हैं बॉटनी और जूलॉजी के बारे में। एक बायोलॉजी के दो पार्ट्स, बायोलॉजी एक पढ़ते हैं हम लोग बॉटनी, एक होता है जूलॉजी, ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। अब देखें एक बात, अगर तो बॉटनी में क्या होता है ना, बॉटनी जो देखिए ये इसमें बॉटनी में हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बॉटनी टर्म दिए थियोपेथस, ठीक है, बॉटनी को जाता है जूलॉजी के लिए, जो फादर ऑफ जूलॉजी कहे जाते हैं वो एरिस्टोटल को कहा जाता है, ठीक है, एरिस्टोटल ये फादर बोले जाते हैं, बॉटनी के लिए थियोपेथस फादर बोले जाते हैं, और बायोलॉजी के लिए फादर कौन कहा जाता है, एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल ये फादर हैं, ठीक है। अब बॉटनी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट्स, हम लोग इसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स मतलब प्लांट की स्टडी करते हैं, ठीक है, प्लांट की स्टडी करते हैं। और जूलॉजी में जहाँ भी बायोलॉजी में हमको जू टर्म दिखे लिखा हुआ दिखेगा उसका मतलब होगा एनिमल, क्या होगा, जू जहाँ पे भी लिखा होगा उसका टर्म होगा, उसका मीनिंग होगा एनिमल, ठीक है, एनिमल। तो यहाँ देखिए जूलॉजी, जू मतलब एनिमल, लॉजी मतलब स्टडी, तो क्या होगा, स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब तक हम लोग देखे कितना सिंपल है, बॉटनी जिसमें हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी जिसमें एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में दो चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है, प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। प्लांट जिस पार्ट में प्लांट के बारे में पढ़ेंगे उसको हम बॉटनी बोलेंगे, जिसमें हम एनिमल के बारे में पढ़ेंगे उसको जूलॉजी बोलेंगे, ठीक है, जूलॉजी बोलेंगे। आइए तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक करके, तो फादर्स देख लेते हैं, ठीक है, फादर किसको बोला गया है, कौन फादर, क्या फादर, देखते हैं फादर, देखो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला गया है, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को बोला गया है, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी। अब फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोला गया है, उसको एरिस्टोटल को ही बोला गया, फादर ऑफ जूलॉजी मतलब जूलॉजी का इसी को बोला गया है, ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी देख ले अगर हम लोग, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। तो ये फादर्स हुए, ये बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिविंग क्या होता है, लिविंग का डेफिनेशन क्या है या किसको हम लोग लिविंग बोलेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक को और सोचते हैं क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक। अभी लिविंग क्या होता है इसका कोई मतलब फिक्स डेफिनेशन नहीं है, पर ये जरूर है कि हम लिविंग को पहचान सकते हैं, कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, बात समझ में आ रही होगी। हम कहना चाह रहे हैं कि डेफिनेशन नहीं है, लिविंग क्या है इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, पर ये जरूर है कि लिविंग कुछ कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, हेडिंग है अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ लिविंग, मतलब लिविंग क्या क्या शो करेगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। सबसे पहली बात, जो लिविंग होगा, जिस जो जो लिविंग होगा वो क्या शो करेगा, ग्रोथ शो करेगा, ठीक है, ग्रोथ शो करेगा। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ग्रोथ शो करता है, ठीक है, ग्रोथ शो करता है। देखिए ग्रोथ, जैसे ग्रोथ शो करता है, और ये ग्रोथ भी ना दो तरह का होता है। पहले देखिए इधर एक एग्जांपल समझते हैं, एक स्टोन है, ठीक है, एक स्टोन है, इस स्टोन को कहीं मतलब कहीं गिरा हुआ है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि इस स्टोन में मतलब धूल मिट्टी ये सब आके जमा होने लगेगा साइड साइड से, तो देखेंगे हम लोग कि इसका थोड़ा सा साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये ग्रोथ एक तरह से देखने को मिलेगा कि पत्थर भी ग्रोथ करता है। तो क्या ये स्टोन लिविंग है, क्या हम इसको लिविंग कहेंगे, ये बात हमें जानना है और समझना है। स्टोन, ये एक स्टोन है, इसमें मतलब कहीं जगह पड़ा है, सालों बाद देखेंगे तो इसका थोड़ी सी जो मतलब इसमें थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलेगा स्टोन को। तो एक अब हम पूछना चाहते हैं आपसे कि ये स्टोन लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि मैंने कहा कि जो लिविंग होगा वो ग्रोथ शो करेगा और स्टोन भी ग्रोथ शो कर रहा है, तो ये आपका लिविंग नहीं है, ठीक है, लिविंग नहीं है ये। क्यों नहीं लिविंग है, क्योंकि देखिए लिविंग होने के लिए उसको इंट्रिंसिक ग्रोथ शो करना होगा, ठीक है। ग्रोथ दो तरह का होता है, आइए समझते हैं, ग्रोथ आपका बस दो तरह का, ठीक है, ग्रोथ दो तरह का, एक होता है एक्सटेंसिक, एक्सटेंसिक ग्रोथ और एक्सटेंसिक ग्रोथ, दूसरा आपका देखने को मिलेगा इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। अब यहाँ पर टर्मिनोलॉजी को समझ लें, बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको सीखने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। बायोलॉजी में आप एक रूल बना लें कि जहाँ भी आपको एक्स दिखेगा, ठीक है, एक्स दिखेगा और इन दिखेगा, एक्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे, एक्स मतलब एग्जिट बाहर, ठीक है, और इन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंदर, ठीक है, इन माने अंदर। ये आप बाहर के लिए टर्म यूज़ करेंगे कौन सा, ई एक्स, और अंदर के लिए आप टर्म यूज़ करेंगे, अंदर के टर्म यूज़ करेंगे आप कौन सा, इन। बायोलॉजी में एक मतलब एक तरह से आप समझने के लिए याद रख सकते हैं कि कहीं भी ई एक्स आपको टर्म दिखाई दे उसका मतलब होगा बाहर, कहीं पे इन दिखाई दे आपको उसका मतलब होगा अंदर, ठीक है। तो एक्सटेंसिव ग्रोथ और इंट्रेंसिव ग्रोथ, ये जो स्टोन में जो आप ग्रोथ देख रहे हैं, ये स्टोन बढ़ रहा है बाहर से, ठीक है, ये स्टोन बाहर से बढ़ रहा है, तो ये कौन सा ग्रोथ कहलाएगा, ये एक्सटेंसिव ग्रोथ कहलाएगा, और एक्सटेंसिव ग्रोथ इज अ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग। अब द मेन जो क्राइटेरिया है ग्रोथ का, अगर जो लिविंग होगा, लिविंग शो इंट्रेंसिक ग्रोथ, ठीक है, इंट्रेंसिक ग्रोथ, इंट्रेंसिक ग्रोथ, जो भी लिविंग होगा, जैसे हम लोग अगर मोटे होते हैं तो दुबले होते हैं, वो हमारे अंदर से होते हैं फैट के कारण, फैट अपने बॉडी के अंदर है, तो वो अगर लेयर मोटा होता है तो हम मोटे हो जाते हैं, अगर वो पतला होता है तो हम दुबले हो जाते हैं, ठीक है। तो इंट्रेंसिक ग्रोथ इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बींग, ठीक है, ये ग्रोथ समझ में आ गया होगा। अब से दूसरा पॉइंट जो आता है अपना, रिप्रोडक्शन, जितने भी लिविंग बींग्स होंगे, जितने भी लिविंग होंगे वो क्या शो करेगा, रिप्रोडक्शन शो करेगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन को शो करेगा, रिप्रोडक्शन को शो करेगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि अपना नंबर बढ़ाना, अपना नंबर बढ़ाना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है, इंक्रीज इन नंबर, इनक्रीज नंबर, इंक्रीज इन नंबर, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन, अपने अपना नंबर बढ़ाना रिप्रोडक्शन कहता है। मतलब जितने भी लिविंग बींग है वो अपना रिप्रोडक्शन करेंगे। दो ग्रेटेस्ट हो गया, टोटल हम चार पढ़ना है, दो पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म को, समझते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है और कैसे होता है। तीसरा पॉइंट है मेटाबॉलिज्म, मेटा ये एक तरह से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिविंग सेल का या लिविंग बींग का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिविंग सेल का, ठीक, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, द सम टोटल ऑफ आपकी बॉडी में जितनी सारी केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, द सम टोटल ऑफ क्या हो जाएगा इसे डेफिनेशन, द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन योर बॉडी, केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, इन द बॉडी, ये डेफिनेशन है मेटाबॉलिज्म का। और इसको समझना चाहें तो सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में तो नहीं पूछेगा,
अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा मोटा है, जैसे कि मान के चलिए कोई इंसान है, ये थोड़ा सा मोटा है, ठीक है, हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, ये दुबले पतले से मतलब बॉडी इसका दुबला पतला है, ठीक है, दुबला पतला। तो अगर हमको पूछा जाए कि किसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा अच्छा है, कौन मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा अच्छा शो करता है, जिसका मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होगा वो उतना फिट उतना ही स्लिम होगा, ठीक है, इसका मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा है, ये फिट है और ये मोटा है, ठीक है, तो इसका मेटाबॉलिज्म रेट क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट अगर देखें तो ये स्लो है, और इसका मेटाबॉलिक रेट क्या है, रेट ज़्यादा है, ज़्यादा रिएक्शन करता है, इसलिए आपके बॉडी में फैट को मतलब स्टोर होने नहीं देता है, रिएक्शन करके तोड़ता देता है, ठीक है, ये तोड़ नहीं पा रहा है तो आप धीरे धीरे मोटे होते जाएंगे, ठीक है। ओबेसिटी, मोटापा को बोला जाता है ओबेसिटी, ओबेसिटी इज अ डिजीज, एक बीमारी है, मोटापा एक बीमारी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये समझ में आया होगा कि इंसान मोटा कैसे हो जाता है, मोटा इंसान तब हो सकता है जब उसका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। और एक बात आइए जान लेते हैं कि अगर आप अपना मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप तेज तीखा खा सकते हैं, मिर्च खा सकते हैं, अगर आप मिर्च खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा और आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग, गर्मी लगना, पसीने आना, इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, और लास्ट अपना देखेंगे हम लोग रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अगर जो लिविंग होगा वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा स्टिमुलाई के कुछ होगा तो उसको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। लिविंग बींग क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, सपोज दैट, मान के चलते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं कि सपोज जैसे कि एक प्लांट है, टच मी नोट, क्या है ये, टच मी नोट, ठीक है, टच मी नोट, जिसको हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में छुई मुई प्लांट बोलते हैं शायद, ठीक है, जैसे जिसको टच करते ही ना वो क्लोज हो जाता है, उस प्लांट को इंग्लिश में टच मी नॉट, ठीक है। ये जो मूवमेंट होता है ना, ये जो टच करेंगे और वो सिकुड़ जाएगा, उसको सिस्मोनास्टिक मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है, टच मी नॉट, जैसे ये इसको टच करेंगे ये रिस्पॉन्स दिया, इसका मतलब क्या, ये लिविंग है, ठीक है। अब अगर आपको कोई पूछता है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बींग, देख ग्रोथ सिर्फ लिविंग का ही प्रॉपर्टी नहीं है, वो नॉन लिविंग में भी दे सकते हैं आप, जैसे एक्शन से ग्रोथ, पत्थर में मैंने देखे, प्रतिष्ठान में देखा, समझाया ये रिप्रोडक्शन, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मतलब लिविंग नहीं है फिर भी अपना नंबर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, वो भी कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। मेटाबॉलिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो हमने थर्ड में पढ़ा मेटाबॉलिज्म, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग बींग में ही होगा, नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म का कोई सवाल नहीं हो सकता, ठीक है। और एक बात जाने, एक सिंपल सा सवाल तो हाई लेवल का, कि अगर आप कोई को कोमा में चला जाता है और आपसे वो पूछता है कि ये जिंदा है या मर गया, तो उसको हम इस चारों प्रॉपर्टी से इस प्रॉपर्टी समझा सकते हैं कि वो लिविंग बींग है, क्यों, क्योंकि वो रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर उस पेशेंट में ब्रेन हाफ डेड भी हो चुका है फिर भी वो अगर उसे इंजेक्शन लगाते हैं तो वो बॉडी जो इंजेक्शन में फ्लूइड है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, मतलब रिस्पॉन्स दे रहा है, जो मेडिसिन दे रहे हैं उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी वो जिंदा है, ठीक है। आइए आप आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या कि जो भी लिविंग होगा वो चार कैरेक्टर को शो करेगा, पहला ग्रोथ, वो भी कौन सा ग्रोथ, इंट्रेंसिक ग्रोथ, अंदर से ग्रोथ होगा उसका, दूसरा रिप्रोडक्शन, अपना नंबर बढ़ाएगा, और तीसरा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि बॉडी में रिएक्शंस होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे, ठीक है, चौथा स्टिमुलस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे का टॉपिक आता है। तो इन चारों करेक्टर जिसमें दिखेगा वो क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे, जिसमें नहीं दिखेगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग बोलेंगे, तो नॉन लिविंग बोलेंगे। आइए अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने का कोशिश किसने किया था, देखिए सबसे पहले जो क्लासिफाई करने का कोशिश किया था वो थे लिनियस, कौन थे वो, लिनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले मतलब क्लासिफिकेशन करने का मतलब कोशिश कर रहा था। इसने क्या कहा, इसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था, क्या दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था इसने
क्लासिफिकेशन को। टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लीनियस, मतलब लीनियस के हिसाब से दो किंगडम है आपके पास। एक किंगडम कौन सा? प्लांट, एक प्लांटी और एक एनिमिलिया। प्लांटी एंड एनिमिलिया, एनिमिलिया, ठीक है। मतलब लीनियस के हिसाब से दुनिया में दो ही चीज एग्जिस्ट करती है, या तो प्लांट या तो एनिमल, ठीक है, या तो प्लांट या तो एनिमल। ये थ्योरी इनकरेक्ट है, क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं इसमें बैक्टीरिया भी है और फंजाई भी है, प्रोटोजोआ भी है। तो इस तरह के इसको सबको, प्रोटोजोआ, ब्लूग्रीन एल्गी, सबको लीनियस ने क्या माना था? एनिमल मान के एनिमल में रखा था, प्लांट को अलग किया था, बाकी प्रोटोजोआ, फंजाई, फंगस, प्रोटोजोआ, ब्लूग्रीन एल्गी सबको एनिमल मान के इसमें रख दिया था, ठीक है। ये था लीनियर को बुलाया था फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। लीनियर को बुलाया था फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्यों बोला जाता है? क्योंकि पहली बार क्लासिफिकेशन करने का काम इसी ने किया था, और क्लासिफाई किया भी था प्लांट और एनिमल में। वो आगे चल के उसका मतलब इनवैलिड हो गया, चला नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश तो इसी ने किया था, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, या फाउंडर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है इसको। फाउंडर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मतलब जो अभी टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं ना, फाउंडर उसका वही है टैक्सोनॉमी, ठीक है। लीनियस के बारे में जान लेते। आप देखिए, लीनियस ने एक बुक भी लिखा था, बुक पब्लिश किया था, वो आपके जनरल कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, तो बुक का नाम याद रखेंगे आप लोग, सिस्टमा नेचुरी। कौन सा बुक लिखा था लीनियस ने? सिस्टमा नेचुरी, सिस्टम ऑफ नेचर या सिस्टम ऑफ नेचुरी, ठीक है। ये बुक था जिसने लीनियस ने लिखा था, ठीक है। एक बुक की और बात करेंगे जिसको बेंथम एंड हुकर ने लिखा था, जेनरा प्लांटिनम। देखिए, जेनरा प्लांटिनम कौन लिखा था? जेनरा प्लांटिनम, प्लांटिनम, बेंथम एंड हुकर ने इसको लिखा था, ठीक है। बेंथम एंड हुकर दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने क्या लिखा था? सिस्टमा, सॉरी, जेनरा प्लांटिनम को। ये बुक को कौन लिखा था? ये आपको डायरेक्ट डायरेक्ट पूछता है कि सिस्टमा नेचुरी बुक कौन लिखा, को कौन इसको लिखा था? तो लीनियस लिखे थे, जेनरा प्लांटिनम कौन लिखा था? बेंथम एंड हुकर ने लिखा था, ठीक है। आइए इसको रेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आता है। देखिए, लीनियस ने एक बाइनोमियल, लीनियस बाइनोमियल थ्योरी को भी दिया था, बाइनोमियल सिस्टम को, ठीक है। लीनियस ने क्या दिया था? बाइनोमियल सिस्टम को, बाइनोमियल सिस्टम, बाइनोमियल सिस्टम, बाइनोमियल सिस्टम, इसको कौन दिया था? इसको लीनियस ने ही दिया था, ठीक है। लीनियस ने ही दिया था, और ये मतलब, और इसको आपको ज़्यादा अच्छे समझना चाहते हैं तो मैंने इसको पढ़ा के रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग बाइनोमियल सिस्टम को पढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसमें साइंटिफिक नेम लिखना सीखेंगे आप, जीनस स्पीसीज को पता करना सीखेंगे, अच्छा है। लेकिन आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो लिंक में जाकर जरूर इसको देख लें, 8 से 9 मिनट का वीडियो है, उसको देख सकते हैं आप, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।